नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। अपनी पदयात्रा के पांचवें दिन इनेलो नेता अभय चौटाला ने मेवात क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता जाकिर हुसैन पर जमकर शब्दबाण चलाए। अभय ने कहा कि जाकिर ने स्वार्थ के वसीभूत होकर अपना धर्म तक गिरवी रख दिया। उन्होंने कहा कि जाकिर हुसैन को वर्ष 2014 में घर बैठे विधायक बनाया था, लेकिन वह भाजपा में चला गया। उसने धोखा किया और यह धोखा स्वार्थ के लिए किया। धोखा देकर उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है। बता दे कि जाकिर हुसैन इनेलो को अलविदा कहकर वर्ष 2019 के चुनाव से पूर्व भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इस समय मनोहर सरकार ने उन्हें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व दिया हुआ है। संगठन में भी भाजपा ने उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है। अपनी पदयात्रा के दौरान अभय चौटाला ने युवाओं को लुभाने का भी पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो युवाओं को ही बागडोर सौंपेगी। चौटाला ने युवाओं को अधिक से अधिक टिकटें देने का वादा करते हुए स्थानीय समस्याओं को भी निकट से जानने का प्रयास किया। आइए अब सुनते हैं क्या बोले अभय चौटाला। हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा दे करके चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है। नहीं, ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया। इसने अपने स्वार्थ के लिए, ये मान के चलो, अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया। कहीं ले रख दिया कि नहीं रख दिया? ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो, ऐसे लोगों का खात्मा करो, ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की भागदौड़ युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था, और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे, लेकिन आज 3,00,000 करोड़ का जो है बजट है हमारा, और 3,00,000 करोड़ के अंदर हालत ऐसी है। मैं विवाद के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने हैं, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है, तुम्हारे गांव में पीने का पानी है क्या? सारा बाहर से लेना पड़ा।